हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो आ गए हैं जंगली गेमिंग अपनी नई वीडियो लेकर। तो आज का वीडियो होने वाला है ओनली M1014 चैलेंज प्लस नो इंटरनेट। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ कि गेम के रूल सिंपल होंगे। 3 राउंड तक जो है हम लोग जो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और एक भी हथियार उठाएंगे नहीं। उसके बाद जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ M10 का प्रयोग करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं 3 खतरनाक प्लेयर, जेजी असुर, जेजी बॉस और स्टारों के स्टार जेजी स्टार। तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला, वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चल इसी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। आज मैं 500 के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो जल्दी जल्दी मेरे 500 भी करवा दो सब्सक्राइबर। और यहाँ पे जो है फर्स्ट राउंड जो है शुरू हो चुका है और वो लोग भी जो है बहुत ही चालाकी से हम लोग को मार रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को हो चुका है डिफीट। तो फर्स्ट राउंड जो है खत्म हो गया और बाकी के जो है बीच के जो है 16-21 सेकेंड जो आते हैं राउंड के पहले के स्टार्टिंग के, वो सब जो है मैं फटाफट कट कर दूंगा। तो जिसने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। वहाँ पर भी जो मैं एकदम धनधनाटी रील्स डाल रहा हूँ जिसको देख के लोग पागल हुए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजा आ जाता है। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप लोग ऐसे ही सर्च करोगे JUNGLIE GMING तो वहाँ पे भी आपको जो है जंगली गेमिंग मिल जाएगा। लेकिन लोग देख के जो है पागल हो रहे हैं, मतलब मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जा रहे लेकिन पागल हो रहे हैं। और देखते ही देखते जो है हम लोग राउंड 2 भी जो है डिफीट हो चुके हैं। तो अभी एक और राउंड जो है हम लोग को सबर करना है, उसके बाद जो है तड़ातड़ी हो जाएगी सामने के सामने, इनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन M1014 के साथ ही हम लोग कर रहे हैं M1014 चैलेंज। मैं हूँ 40 और आप देख रहे हैं जंगली गेमिंग। थर्ड राउंड जो है शुरू ही होने वाला है। हम लोग ने जो है नो इंटरनेट प्रैंक किया है और साथ में M1014 चैलेंज किया है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाले, देखते हैं हम लोग जीत पाते हैं या नहीं। गाइस अभी जो है आप लोग पॉज करके हम लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता कि हम लोग जीत पाएंगे या नहीं। सच्ची सच्ची जो इज्जत से आप लोग कमेंट करो, बहुत ज़्यादा मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे जो है बंदे आ गए हैं तो धड़ाधड़ी हो चुकी है और यहाँ पे जो हो चुका है डिफीट। अब जो है हमारी बारी आ जाएगी क्योंकि अब हो चुका है 3-0। तो अगर हम लोग जो है एक भी गलती करेंगे तो हमारा हो सकता है पोपट। तो अब जो है हम लोग ने सभी लोगों ने जो है हथियार ले लिए हैं M1014 और सभी लोग जो है थाव बनने के लिए तैयार हैं। वो लोग भी जो है समझ गए होंगे क्योंकि 3 राउंड के बाद जो है सभी लोग जो है सचेत हो जाते हैं कि M1014 मतलब M1014 इन द सेंस नो इंटरनेट प्रैंक जैसा कुछ भी जो है छोटा सा प्रैंक किसी के भी साथ हो सकता है। तो सभी लोग ने जो है हम लोग ने पोजीशन होल्ड कर लिया है। M10 जो है शॉर्ट रेंज में चलता है, तो वो लोग के पास अगर कोई लॉन्ग रेंज का गन होगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 बंदे जो है हमारे पीछे आ गए हैं। वो लोग को पोजीशन का पता नहीं है तो वो लोग जो है फुकड़ के की लेने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे हम लोग जो है उसके ऊपर हुड़िया बुला देंगे और सीधा का सीधा मुफ्त का की ले लेंगे। यहाँ पे जो है जेजी बॉस हम लोग को जो है पीछे से कवर दे रहे हैं। स्टार और असुर जो है यहाँ पे खड़े और देख रहे हैं बंदे को और मैं जो है बीच में खड़ा हूँ। तो यहाँ पे जो है बंदे आना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही बंदे आना शुरू हो गए हैं तो मारामारी जो स्टार्ट हो गई और एक बंदा जो आ गया, इसको जो है मैंने नॉक कर दिया है। दूसरे ने भी मेरी तरह क्रोनो लगा दिया तो वो बहुत ही चालाक बंदा है। अभी जो है हम लोग को शांति से देखना पड़ेगा। वॉल जो है मेरा तोड़ रहा है तो वॉल लगा दिया और क्रोनो भी मेरा जो है उड़ गया। तो अब जो है उसका भी क्रोनो खत्म हो गया। तो रश बनने का समय आ गया है और असुर भाई जो है साथ में ही है। तो यहाँ पे जो है एक नंबर जो है 121 का हेड मारा था, तो यहाँ पे और एक बंदा आ गया तो उसको भी जो है मार देंगे हम लोग। वॉल लगा दिया, एक नंबर जो है वो भी फुल डैमेज है। तो पीछे से असुर भाई आएंगे और हम लोग को कवर देंगे और बहुत ही बढ़िया वाला निकाल लेंगे। एक नंबर जो है असुर भाई ने और मैंने यहाँ पे 3 बंदों को जो है बहुत ही ईजिली निकाल दिया है। अब जो एक ही बंदा बचा है, शायद से वो बॉस के पास है या फिर स्टार के पास है। तो देखते हैं यहाँ पे जो भी मार लेगा हम लोग को पता चल जाएगा। तो मैं जो है पहले हील कर लेता हूँ, नहीं तो मेरा हो जाएगा पोपट। तो मैं जो अभी शांति से हील कर लूँगा और यहाँ पे जो है जेजी बॉस ने कर लिया है काम तमाम। अब हो चुका है 3-1। अब जो है गलती भी कोई की गुंजाइश नहीं है। अब अगर हम लोग जो एक भी राउंड हार जाएंगे तो पूरा का पूरा मैच जो है पानी में चला जाएगा। हम लोग को जो है शांति से और धैर्य से खेलना पड़ेगा। पोचिनो वाले राउंड में जो है लॉन्ग रेंजेस की गन ही चलती है, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, शॉर्ट रेंज में लेके आनी पड़ेगी फाइट, वरना जो है हमारा हो सकता है बहुत ही गंदा वाला पोपट। ठीक है, हम लोग जो है हारना नहीं चाहते बस। और यहाँ पे जो है मेरे से ऐसी फोकट फायर हो गई, इससे जो है एनिमी को अपना पोजीशन पता चल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ है जेजी स्टार और जेजी बॉस जो बहुत ही बढ़िया कवर देंगे मुझे। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग पोजीशन होल्ड करके ही खड़े रहेंगे क्योंकि हमारे पास जो है लॉन्ग रेंजेस की गन नहीं है। तो हम लोग को जो है बहुत ही शांति से खेलना पड़ेगा। वो लोग के पास जो है लॉन्ग रेंजेस की गन होगी क्योंकि नॉर्मली पोचिनॉक में जो है सभी लोग लॉन्ग रेंजेस की ही गन लेते हैं या फिर MP5 लेते हैं क्योंकि उसे क्या है 2x स्कोप मिलता है तो बहुत ईजिली एडवांटेज मिल जाता है। तो यहाँ पे जो एक बंदा आ रहा है तो मैं उसको जो है आने दूंगा। जैसे ही आएगा अपन जो है पीछे से उसके ऊपर धबा करके मार देंगे। ठीक है, उसका ध्यान नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके खड़ा हूँ तो उसको लगेगा कि जो है लेफ्ट साइड में बंदे और यहाँ पे खड़ा हो गया। अब जो है मैं उसके ऊपर धाड़िया बोला देता हूँ और यहाँ पे जो है एक नंबर नॉक निकाल लिया है वहाँ से।
तो अब जो है उसके एनिमीज जो है मतलब उसके दोस्त जो है उसको ढूंढ लिया होगा कि भाई मैंने यहाँ पे मारा है, तो वहाँ पे भी खड़ा रहना सेफ नहीं है। जोन आएगा तो मेरे को ऑटोमेटिक किल मिल जाएगा, तो किल का मुझे कोई टेंशन नहीं है। वहाँ से जो रिवाइव होना इम्पॉसिबल है क्योंकि आजू बाजू में कोई बंदा नहीं है, सभी लोग जो है डबल डोर में छुप के बैठे हैं। तो अब जैसे ही जोन आएगा मैं वॉल डाल डाल के आगे जाऊँगा, वरना मेरे को जो है सबको फटका पड़ेगा। और डबल डोर के ऊपर एक बंदा है तो उसके ऊपर जो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ओ हो नहीं नहीं यहाँ पे जो है वुड पैकर या ऐसा कुछ मार रहा है बहुत ही गंदा वाला। स्टार भाई को भी जो है पड़ी है, तो मैं जो है फटाफट ग्लू वॉल डाल के जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं, यहाँ पे जो है मैंने फर्स्ट ब्लड कर लिया है। मेरे साथ आगे स्टार खड़े हैं, तीन बंदे वो लोग के अलावा चार बंदे मैन टू मैन एडवांटेज है। हम लोग ये राउंड हारने की गलती जरा भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो है सोन बहुत गंदा काट रहा है और वुड पैकर जो है बहुत ही गंदा वाला मारा है उसने मेरे को। अब जो है मैं एक ही गोली का हूँ, तो स्टार भाई जो है अंदर घुस चुके हैं, मैं भी जो है अंदर घुस चुका हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग जो है नॉक वॉक निकाल पाते हैं या नहीं। और यहाँ पे जो मैं पीछे से हो चुका हूँ नॉक, तो पीछे जो है स्टार भाई है। स्टार भाई क्या मार पाएंगे? और स्टार भाई जो मुझे रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जो है रिवाइव नहीं होऊंगा। ठीक है, तो मेरा जो हो चुका है काम तमाम। अब जो है 3v3 हो चुका है और यहाँ पे असुर भाई भी जो है नॉक हो चुके हैं। तो क्या जेजी बॉस और जेजी स्टार यहाँ पे निकाल पाएंगे? और यहाँ पे जो एक बंदे को नॉक कर दिया बॉस ने, दो बंदे को नॉक कर दिया और ट्रिपल किल जो है बॉस भाई ने निकाल दिया। ओपी बॉस इन द चैट हो जाना चाहिए। भाई साहब इम्पॉसिबल राउंड जो है जेजी बॉस ने ट्रिपल किल के साथ जो है निकाल दिया है। ओपी बॉस इन द चैट लगे रहना चाहिए क्योंकि भाई साहब क्या बंदा खेला है, हम लोग को जो है पूरा का पूरा जीता दिया। और जेजी स्टार ने जो है बहुत ही बढ़िया उनका साथ दिया है। मैं और असुर जो है नॉक हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों बंदों ने बहुत ही बढ़िया निकाला है। स्टार भाई ने जो है कवर फायर दिया और बॉस भाई ने जो है लीड करके काम तमाम कर दिया है। तो अब जो है यहाँ पे बंदे आ गए हैं, तो मैं जो पीछे से जाऊँगा और यहाँ पे जो एक बंदा खड़ा है तो इसको जो मैं निपटाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो एक बंदे को मैंने नॉक कर लिया है तो इसको जो है पहले ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी जो है बंदे हैं, तो मुझे जो है ध्यान से खेलना पड़ेगा। ठीक है, हमारा भी एक बंदा नॉक हो चुका है और पीछे से जो है मुझे पड़ी है। तो यहाँ पे जो है एक बंदा नॉक हो चुका है और हमारे दो बंदे नॉक हो चुके हैं। तो अब जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से खेलना पड़ेगा, यानी जेजी बॉस और जेजी असुर जो है अगर आएंगे तो ही मेरा काम हो पाएगा। वहाँ पे जो है रिवाइव हो चुके हैं और असुर भाई ने जो आके धावा बोल दिया है और दो बंदे को जो है नॉक निकाल दिया है। तो अब जो है मेरा रिवाइव होने का चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि अब जो है 2v3 सिचुएशन हो जाएगा। तो असुर भाई जो है उसको दूसरे बंदे पर ध्यान दे रहे हैं और यहाँ पर जो है असुर भाई ने धावा बोला दिया है। असुर भाई ने जो है टपल किल निकाल लिया है। असुर भाई भी जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला दहाड़ रहे हैं। असुर के जो है सुर सभी जगह लग रहे हैं। बॉस जो है चमक रहे हैं और 40 भाई जो है वो खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया वाला राउंड चल रहा है। अब जो एक ही बंदा है जो हम लोग आराम से ढूंढ के मारना है, कोई भी घाई नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो है बॉस भाई को पड़ी है, तो मैं जो है वहाँ पे जाके खड़ा रह के देखता हूँ वहाँ पे बंदा दिखेगा तो हम लोग जो है उसको मारने की कोशिश करेंगे, वरना जो है हम लोग का भी नॉक होने का चांसेस है। तो अब जो एक ही बंदा बचा है तो सीधा चढ़ ही जाते हैं हम लोग। एक दो गोली का होगा और वो जो है जेजी बॉस भाई ने ख़त्म कर लिया। 3-3 के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आ चुका है अंतिम फैसले की घड़ी। यहाँ पे जो है जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो मुकंदर। ठीक है, बंदर नहीं बोल सकते क्योंकि सभी प्लेयर अच्छा ही खेलते हैं। तो अब जो है जो जीता वो सिकंदर वाला राउंड आ चुका है। हम लोग कर रहे थे नो इंटरनेट प्रैंक और ओनली M10 चैलेंज। आप लोग देख सकते हो हम लोग सभी ने जो है M10-14 ही चलाया है। तो गाइस जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी बोल रहा हूँ लाइक कर दो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और चंगली गेमिंग को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे जो डबल वेक्टर वाला आ गया, मेरा क्रोनो जो है बहुत ज़्यादा जल्दी लग गया है। तो स्टार भाई जो मारने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार भाई ने जो है मार दिया है एक नंबर। स्टार भाई ने बॉस ने मार दिया, माफ़ करना, बॉस भाई का जो है ग्रेनेड आ गया, लेकिन असुर भाई जो नॉक हो चुके और स्टार भाई भी जो नॉक हो चुके। तो क्या बॉस भाई 1v3 वापस से क्लच कर पाएंगे या फिर हमारा हो जाता है पोपट? असुर भाई जो है रिवाइव हो चुके हैं और असुर भाई को वापस नॉक कर दिया गया है। कोई भी चांस नहीं मिला डबल वेक्टर के सामने M10-14 का। और बॉस भाई जो है पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं जीतने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग जीत पाते हैं या नहीं। जीते या हारे ये वीडियो जो है पक्का आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा है इस वीडियो में। यहाँ पे जो हम लोग ने पूरी कोशिश की और कोई बात नहीं यार। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा मैं। तो जल्दी से जंगली गेमिंग को सब्सक्राइब कर लो, अभी इतना मत सोचो, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।